पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप है। चंदौसी के इस्लाम नगर का ये पूरा मामला, जहां पर एक विवाहिता का कंकाल बरामद हुआ है। वहीं परिवार वालों की तरफ से कहा गया है कि यहां पर इस महिला की हत्या कर दी गई है, तो 9 दिनों से घर से लापता थी। सुनील राघव हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुनील, जानना चाहेंगे पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासा किया गया है। मैं मुझे बताना चाहूंगा कि 9 दिन पहले इनमें झगड़ा हुआ था, तो इसने मैके को विवाहिता ने फोन किया था कि मारपीट हो रही है रुपए को लेकर के। जब उसकी माँ आई तो महिला गाय मिली और परिजन जो फरार थे उसके ससुराल वाले, उसका महिला का ये भी आरोप है, मृतक महिला की माँ का, कि मैंने पुलिस से काफी कहा कि मेरी लड़की नहीं मिल रही है, लेकिन पुलिस ने कुछ लापरवाही रवैया अपनाया और लड़की नहीं मिली। 9 दिन बाद आज उसका कंकाल मिला है, जो पुलिस सूचना पर पहुंची और कंकाल को अपने लेकर के जांच की बात कर रही है और ससुर को और पति को हिरासत में ले लिया है। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील राघव। तो आपको बता दें, यहाँ पर एक महिला की निर्मम तरीके से हत्या की गई और इस महिला का कंकाल बरामद हुआ है। आपको बता दें, 9 दिनों से महिला लापता थी और आज इस महिला का कंकाल बरामद हुआ। वहीं परिवार वालों की तरफ से कहा गया कि यहाँ पर दहेज के लिए इस महिला की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। और आपको बता दें, ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप है। चंदौसी के इस्लाम नगर का ये पूरा मामला। और वहीं बलिया में कोहरे के